इस क्रॉस सेट से क्या होता है कि जब ये क्रैंक रोटेट करती है तो इस क्रॉस सेट की हेल्प से ये जो पिस्टन सिलेंडर होता है ये आगे पीछे अप एंड डाउन मूव करता है। क्लियर? कैसे करते हैं सर? मतलब इसमें तो जैसे स्लाइडिंग मोशन है इसपे तो सर। जो फ्लाई व्हील है ना, इस पे कैसे करेंगे? फ्लाई व्हील कहाँ दिखाई दे रहा है? फ्लाई व्हील सही नहीं है। देखो नहीं, हाँ तो सर कैसे करेगा मूवमेंट? ये क्रैंक है, अच्छा ये क्रैंक आपकी रोटेट करेगी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जब ये क्रैंक रोटेट कर रही है तो ये कनेक्टिंग रॉड क्या करेगी, ये कनेक्टिंग रॉड इसको अप एंड डाउन मोशन प्रोवाइड करेगी। ठीक, जब ये क्लॉकवाइज जाएगा तो कनेक्टिंग रॉड पीछे आएगी, इधर साइड पे आएगी, ठीक अच्छा है, या फिर इसको सॉरी, जब ये क्रैंक इधर उधर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जाएगी तो कनेक्टिंग रॉड इधर उधर ऑक्सीलेशन मोशन करेगी, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, ठीक है। ये जब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये क्रैंक जो रोटेट करेगी लिंक टू है, जब ये क्लॉकवाइज जाएगी तो आप दिखाई चला कि कनेक्टिंग रॉड किधर जा रही है, राइट हैंड साइड। जब क्रैंक राइट क्लॉकवाइज जा रही है तो कनेक्टिंग रॉड एक फिक्स मैक्सिमम पोजिशन तक इसका मैक्सिमम एंगल बनेगा जिस तक ये बनी रहेगी। अच्छा सर, ये जो लिंक टू है, मतलब ये सर्कुलर मोशन करेगी, ये जो मतलब हाँ लिंक लिंक टू टू है आपका जिसका क्रैंक। सर्कुलर मोशन करेगा। अच्छा, इन्होंने सर्कुलर नहीं दिखाया ना, तब कंफ्यूजन हो गया। कंप्लीट सर्कुलेशन तो यहाँ पर नहीं हो सकता है, वैसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ही होगा, कंप्लीट सर्कुलेशन यहाँ नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं कंप्लीट सर्कुलेशन यहाँ पर, ठीक है। हाँ सही है, कंप्लीट सर्कुलेशन आप यहाँ पर नहीं कह सकते। अच्छा हाँ कंप्लीट सर्कुलेशन नहीं होगा, कंप्लीट सर्कुलेशन होता तो यहाँ पर ए पॉइंट दिखा रखा है ना, इस ए पॉइंट पर इनको क्या देना होता, क्रॉस हेड देना होता, जिसकी वजह से ये क्या होता, अप डाउन अप डाउन अप डाउन मोशन करता, और यहाँ पर क्रॉस हेड होगा एक ए पॉइंट पर, अच्छा ठीक है। अगर कंप्लीट सर्कुलेशन इनको कराना है तो यहाँ पर एक ठीक पॉइंट पर क्रॉस हो जाएगा। जैसे इसमें आपको कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा, क्रैंक है, क्रैंक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जा रही है तो ये क्या हो रहा है आपका पिस्टन, यानी कि ये तो ये क्या हो गया आपकी कनेक्टिंग रॉड, इसमें क्या हो गई लिंक थ्री आपकी कनेक्टिंग रॉड का काम करेगी, ठीक है, ये आपकी पिस्टन रॉड हो गई और इधर आपका सिलेंडर हो गया, ये आपका पिस्टन हो गया, इधर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ए सॉरी अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, इसको बोलते हैं ऑक्सीलेटिंग सिलेंडर इंजन, ठीक। इसके बाद होता है रोटरी इंटरनल कंबशन इंजन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं सेवन सिलेंडर इंजन, रोटरी इंजन बोलते हैं इसमें। रोटरी इंजन क्या होता है, रोटरी इंजन कहाँ यूज होते हैं, रोटरी इंजन बेसिकली जो जहाँ पर हैवी बेसिकली पावर की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक आपके हुए ये क्रूज शिप्स वगैरह, ठीक है, क्रूज शिप्स वगैरह में आपके जो इंजन होते हैं वो रोटरी इंजन यूज करते हैं। वहां पर क्या होता है, आपको काफी ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है और काफी ज्यादा टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि जब ये क्रैंक है, ये वाली जो क्रैंक आप यहाँ पर दिखा रहे हैं, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये जो क्रैंक है, ठीक है, फिक्स क्रैंक इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है टू, एक फिक्स क्रैंक है और एक ये अंदर क्रैंक है, ये क्या करती है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मोशन करती है, किससे ये जुड़ा होता है, देखो ये जो पिस्टन है ये रेंडमली क्या हो रहे हैं, जरूरी नहीं कि एक तरफ एक बार में एक ही जा रहा हो, एक बार इसको कंप्रेशन हो रहा होगा तो उस टाइम पर कहीं किसी पिस्टन पे कहीं किसी सिलेंडर में एक्सपेंशन हो रहा होगा, इसका अगर कंप्रेशन हो रहा है, देखना ध्यान से देखना हम क्या बोल रहे हैं, मान लो ये जिसको हम सर्कुलर कर रहे हैं कर्सर जिसको दिखा रहे हैं, इसमें कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है इसका मतलब ये कहाँ जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो इसके अपोजिट के एक दो तीन चार ये जो होंगे इनमें क्या हो रहा होगा एक्सपेंशन, इनमें क्या हो रहा होगा एक्सपेंशन हो रहा होगा, ठीक एक्सपेंशन है, सब में पार्शियल एक्सपेंशन होगा, जरूरी नहीं कि सिर्फ सब में बराबर एक्सपेंशन हो, क्योंकि इनकी डिस्टेंस जो है सबसे इस पॉइंट की, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट की, इस पिस्टन की जो डिस्टेंस है बाकी अदर पिस्टन के डिस्टेंस से सबसे डिफरेंट डिफरेंट है, तो जब डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस है तो इसका एक्सपेंशन भी क्या होगा डिफरेंट डिफरेंट होगा, पार्शियल डिफरेंट बेसिकली एक्सपेंशन होगा, क्लियर, ठीक ये समझ में आए। तो जैसे पूरा इंजन बेसिकली आपका इंजन काम करता है कंप्रेशन देन हाँ एक्सपेंशन सर। देन सक्शन देन एग्जॉस्ट, उसी सर ये तरह क्या इसका टॉप व्यू होता है? अच्छा ये इसका है बेसिकली टॉप व्यू, नहीं कहते इसको, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन व्यू, बिल्कुल इसको काट दिया है पीस से और फिर दिखा रहे हैं, ठीक ठीक है, तरीके से पूरा कंप्लीट था, जैसे आपको पिस्टन सिलेंडर दिखाते हैं ना उसको बीच से बेसिकली इंटरसेक्ट कर देते हैं, ये सर। वो व्यू दिखा रखे हैं। अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो आप इसका वीडियो देख लेना, वीडियो में समझ में आ जाएगा यूट्यूब वगैरह, ठीक है। अब चला के दिखा दें क्या रोटरी इंजन का वीडियो, देखो मैं दिखा देता हूँ,
ये है ठीक है, इसमें सिक्स सिलेंडर है, चलो इसमें फंक्शन दिखा दो, फायदे दिखा दो। ठीक जेट एयरवेज वगैरह में भी यही यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पर काफी हैवी पावर की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें इतना अच्छा नहीं। एनिमेशन देखते हैं, ये सिलेंडर है, ये नाइन सिलेंडर है यहाँ पर। ऐसे जो गोल गोल से है इसमें देखो इसमें ज्यादा क्लियर होगा शायद। ये देखो आपको समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? हाँ सर। अब क्लियर हो रहा है, एक रैंक है ठीक हाँ है। अच्छा हाँ ये इस तरीके, ये सर। पिस्टन पिस्टन शो कर रखे, सिलेंडर शो नहीं किया है मैंने, सिलेंडर से आगे शो कर रखे। ये देखो सिलेंडर भी कंप्लीट शो कर रहे हैं, पूरी मैकेनिज्म दिखाएंगे। आप क्लियर हो रहा है? सबने यस सर। इनपुट वॉल्स आउटपुट वॉल्स सभी के डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन ओके इसी पे कंप्रेशन और अब यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा था, बर्निंग हो गई है मतलब। ठीक है, तो इसमें बर्निंग हो रही है, फिर कंप्रेशन ठीक हो रहा है, बाकी दोनों कंप्रेशन हुआ, इधर यस बर्निंग सर। हो रही है। तो रैंडम बर्निंग होती है, काफी कॉम्प्लिकेटेड इंजन होता है बेसिकली। ठीक ये देखो, इसे बोलते रोटी, ऑर्डर ठीक जो कर रखा है 135724 6। ये देख देखता है कंबशन पावर, तो पहले फर्स्ट में होगा, देन थर्ड में होगा, देन फिफ्थ में, देन सेवेंथ में, देन सेकंड में, फोर्थ में, देन फिफ्थ में, कंबशन ऑर्डर है ये, कंप्रेशन ऑर्डर। ठीक है, इस तरीके से की बनने होती है, ठीक तो है जहाँ पर हैवी पावर की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर आपका ये रोटरी इंजन यूज करते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी इसका देते हैं, सेवन सिलेंडर है, नाइन सिलेंडर भी होता है। ठीक है, क्रूज शिप्स वगैरह जो होते हैं उसमें करीब करीब ये रोटरी इंजन मैं आपको बता देता हूँ। क्रूज शिप्स वगैरह जो होते हैं आपको पता है कि पावर की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा उसी में होती है, क्रूज शिप्स में हुआ, प्लेन्स में ठीक हुआ, इनमें पावर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। तो क्रूज शिप्स में करीब करीब नाइन इंजन के, सॉरी रोटरी इंजन करीब करीब सिक्स लगे होते हैं, सिक्स इंजन। और इसकी इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो बहुत, मतलब आप खड़े हो जाओगे इसके इस सिलेंडर में, इतनी इतनी इनकी वो होती है बोर डायल, समझ रहे हो? इनकी मैन्युफैक्चरिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि आप पूरा खड़े हो जाओगे उसके अंदर, पिस सिलेंडर के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, आप पूरी पूरी हाइट आ जाओ, काफी बड़े बड़े होते हैं। और इस तरीके एक, ये एक सिलेंडर होता है, और इस तरीके के आप सोचो नाइन कनेक्टेड है सर्कुलर में, नाइन कनेक्टेड करके नाइन क्रॉस सिक्स होता है, नाइन क्रॉस सिक्स मतलब 54 सिलेंडर होते हैं एक क्रूज शिप्स के इंजन में। ठीक है, इस तरह की कंस्ट्रक्शन होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा पावर रिक्वायरमेंट आपकी यहाँ पर होती है। इसके बाद है आपका फोर्थ इन्वर्जन, इसका है क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, देखो ये जो मैकेनिज्म आपकी शो हो रही है यहाँ पर, ये आपकी ड्रॉइंग, आपकी ड्रॉ जो होती है पहले जो ड्राइंग ड्रॉ होती है उसमें आपकी काम आती है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म देख लो कैसा है, ये आपको क्रैंक दिखाई दे रही है, लिंक टू आपकी क्रैंक है, ये पूरा सर्कुलर मोशन करती है। जब ये पूरा सर्कुलर मोशन करेगी, ये जो P1 और P2 पॉइंट दिखा रखे हैं, ये इसके दिखा रखे हैं, ये जो लीवर दिखा रखा है इन्होंने, स्लाइडर दिखा रखा है, लिंक वन, ये लिंक वन, अब ध्यान से देखना, जब आपने लिंक टू को क्लॉकवाइज रोटेट किया तो ये P पॉइंट किधर मूव करेगा, R की तरफ, बात आ रही समझ में? जो P पॉइंट है राइट हैंड साइड में मूव करेगा, आयुष हाँ सर। ठीक है, जब आपने क्या किया, मैंने क्या कहा, जब BC मतलब लिंक टू जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, जो P जो पॉइंट है बेसिकली वो राइट हैंड साइड में जाएगा। ठीक है, एक मैक्सिमम राइट तक जाएगा, उसके बाद फिर ये क्या मतलब, मैक्सिमम राइट का मतलब सिर्फ मैक्सिमम P2 तक आएगा। और इधर देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये रैम। ठीक है, यहां पर आपने क्या किया, ये जो कनेक्टिंग रॉड दिखाई दे रही, ध्यान से देखना, ये कटिंग और रिटर्न स्ट्रोक है बेसिकली। हमने क्या किया,
ये जो लीवर था लिंक वन स्लाइडर जो था, इस स्लाइडर से कनेक्टिंग रॉड जोड़ दी, और उस कनेक्टिंग रॉड के थ्रू हमने इसमें जोड़ दी एक रैम, और रैम में लगा दिया टूल। हुआ क्या उससे, आपने देखा होगा जो आपके कारपेंटर होते हैं वो रंदे का इस्तेमाल करते हैं और सरफेस को फिनिश करते हैं, ठीक है, वो करते हाँ हैं बार बार आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे मूव करते हैं, उसके बाद उससे वुडन चिप्स निकलती हैं, ठीक है। अब मान लो मैन नहीं है, जी हमने एक सर, ऐसी मशीन बनानी है, तो हमने उस मशीन में क्या किया, रंदे में हमें एक ऐसी चीज फिक्स करनी है जिससे वो जो रंदा है वो आगे पीछे मूव करे, जिससे हमारी चिप्स फॉर्मेशन होती रहो, ठीक है। तो हमने क्या किया, उस रंदे को, ये जो रैम है इसमें कटिंग टूल लगाया और उसको कनेक्ट कर दिया हमने कनेक्टिंग रॉड से, कनेक्टिंग रॉड को कनेक्ट कर दिया हमने स्लाइडर से। अब हमने क्या करना है, स्लाइडर को आगे पीछे करना है। जब हम स्लाइडर को आगे पीछे करेंगे तो ये जो रैम है, ये कनेक्टिंग रॉड है, ये रैम के साथ कनेक्टेड है, फिक्स है, तो ये रैम को क्या करेगी, बार बार कटिंग और पीछे आगे पीछे आगे पीछे मूव कराएगी। अब बात आई समझ में, ठीक जी है। सर। हाँ ठीक है, ये इसमें एक आगे जब जाएगा सर तो, ये और जी जब पीछे आएगा तो रिटर्न स्ट्रोक होता है, एक होता है कटिंग स्ट्रोक, देन पीछे आएगा तो रिटर्न स्ट्रोक। हाँ बताओ। सर, ये जो ये रॉड, जैसे ये रॉड सी है ना, ये पूरी एक ही है, मतलब कि अलग अलग है, एक सबके ही नाम लिखा होगी। हुआ है, सबके नाम लिखे हुए हैं, आप बताओ किस रॉड की बात कर रहे हैं, कनेक्टिंग रॉड है ना, इसकी बात कर हाँ रहे सर, हैं, कनेक्टिंग रॉड की। जो ये स्लाइडर लिंक वन है, हाँ स्लाइडर लिंक वन है, ये पूरी कनेक्ट, ये हाँ ये पूरा है। अच्छा देखो सुनो सुनो, समझ में आ गया, समझ में आ गया क्या पूछ रहे हो। देखो ये क्रैंक दिख रही है, क्रैंक दिख रही है, सर इस क्रैंक के अंदर आपको बीच में दिखाई दे रहा होगा स्क्वायर सा, ठीक हाँ सर, है। हमने किया क्या है, आपने वो देखा है क्या बोलते हैं, कैसे समझाऊं मैं इसको, रुको 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 रुको, आ गया समझ में, कटर देखा है, कटर हाँ सर, जिसे थर्मोकोल वगैरह काटते हैं, प्लास्टिक का जो होता है, स्लाइड करके हम आगे निकालते हैं ना, उसमें से कटर ब्लेड हाँ स्लाइड सर, करके बाहर निकालते हैं, अब आया समझ में, कटिंग के लिए जो यूज किया जाता है, जैसे हाँ थर्मोकोल के लिए या फिर और भी पेपर वगैरह के लिए इसको यूज करते हैं, वो वाला जो कटर होता है जिसमें हम स्लाइड करके ब्लेड को बाहर निकालते हैं, सर, ठीक है। तो ये उसी तरीके का समझ लो एक डिवाइस है, जिससे हमने जब क्या किया, ये जिस पॉइंट को हम पकड़ करके ब्लेड को बाहर निकालते हैं, जो पॉइंट ब्लेड में फिक्स होता है, ये समझ लो वही चीज है। और ये जो लीवर है, मान लो ब्लेड है, तो ये क्या करेगा, जब ये ऊपर जाएगा तो इस ब्लेड को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये बेसिकली इसके ऊपर, इसमें फ्री है ये, इसका रुको एक्सचेंज दिखा देता हूँ, इसका वो दिखा देते हैं वीडियो तो समझ में आ जाएगा, कौन क्या है ये, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर। ये चीज ये दिखाई दे रही है, ये आपका क्रैंक हो सर गया सर्कुलर वाला, या फिर आप इसको भी देख सकते हो, ठीक है। ये इसमें क्या करेगा, अप एंड डाउन मोशन करेगा, इसको देख लीजिए, ठीक है। ये चीज समझ में आई, अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है। ये आपका पूरा क्लॉकवाइज मोशन ठीक किए हैं, और ये इसमें है क्या कर रहा है, ये देखो ग्रीन कलर वाला, ग्रीन कलर वाले की बात कर रहे हैं जो आप वहां पूछ रहे थे, ये फिक्स नहीं है इसमें, ये स्लाइडिंग है इसके ऊपर बीचों सर, बीच में, क्लियर। ठीक इसको क्या बोलते हैं, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, ठीक है। इसमें कभी कभी क्वेश्चंस भी इससे आ जाते हैं, तो ये बेसिकली इसमें दो तरीके के स्ट्रोक होते हैं, एक होता है रिटर्न स्ट्रोक, एक होता है कटिंग स्ट्रोक। कटिंग स्ट्रोक जब होगा तो आपकी कटिंग हो रही होगी, रिटर्न स्ट्रोक में कटिंग नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो इसमें टाइम पूछता है, बेसिकली क्या होता है, टाइम ऑफ कटिंग स्ट्रोक अपॉन टाइम ऑफ रिटर्न स्ट्रोक को हमने एंगल से शो किया है, ठीक है। टाइम वो बेसिकली लेंथ से डिनोट किया था, लेंथ के बीच में जो आपका रेडियस था वो तो कैंसिल हो गया, वेलोसिटी वगैरह जो थी, अल्फा और बीटा यहाँ पर क्या है, अल्फा एंड बीटा ये एंगल है आपके, यहाँ पर ये है आपका अल्फा जी एंगल, और बीटा एंगल है आपका ये वाला, क्रैंक सर, एंगल जो है वो है बीटा एंगल, और जो कैंटिलीवर का एंगल है इसका, स्लाइडर का, वो एंगल है आपका अल्फा, ठीक है। इनके बीच में रिलेशनशिप लिखा है, ये आपकी प्रूविंग तो नहीं आती है इसमें, रिलेशनशिप के बाद आपका जो फाइनल आता है रिलेशन वो आता ही है, ठीक
टाइम ऑफ कटिंग स्ट्रोक अपॉन टाइम ऑफ रिटर्न स्ट्रोक इज इक्वल टू बीटा अपॉन 360 माइनस बीटा। ये बीटा जो है आपको डिग्री सेंटीग्रेड में रखना है, बीटा बीटा। या फिर अगर आप अल्फा के टर्म में लेते हो तो आपका ये रिलेशनशिप होता है। दूसरा, अगर इनकी लेंथ के टर्म में लेते हो, ए पी सी बी एंड ए सी। ए पी सी बी एंड ए सी क्या है, देखो ए पी इसकी किसकी लेंथ है आपकी, स्लाइडर की, ठीक है। सी बी किसकी लेंथ है, सी बी लेंथ है आपकी क्रैंक की, ठीक ठीक है। बी सी किसकी, ए पी सी बी एंड, ए पी सी बी एंड ए सी। ए सी आपकी किसकी लेंथ है, ए ये रहा एंड सी ए रहा, ये फिक्स लेंथ है इसकी लेंथ, ठीक है। अगर लेंथ के फॉर्म में आप लोगे तो ये रिलेशनशिप होता है। इस रिलेशनशिप को याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, ठीक है। ठीक है इसी टाइप से आपकी ये विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, ये बहुत कम आती है, ये भी आपकी कटिंग टूल के लिए होता है, बेसिकली कटिंग के लिए होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो ध्यान से देखना, ये आपकी ड्राइविंग क्रैंक है, कौन कौन सी, ए सी। इसे, ए सी क्लॉकवाइज और इसे। एंटी क्लॉकवाइज घूम सकती है, तो ए सी जब क्लॉकवाइज जाएगी तो ये इसको पीछे, पहले पहले पीछे घसीटेगी, ठीक है। मान लो ए सी, इसे। सॉरी एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज जा रही है मतलब इधर मूव करेगी। जब ये इधर आएगा तो जो पूरा स्लाइडर है वो नीचे आएगा, जब स्लाइडर नीचे आएगा तो ये रैम से कनेक्टेड है कनेक्टिंग रॉड के थ्रू, तो टूल पीछे जाएगा, इसे। ठीक है। फिर क्या होगा, जब ये पूरा यहाँ पर आएगा तो इसके बाद फिर से ये इसको, इसे। हाँ, पुश करेगी। पुश करने के बाद लीवर को, स्लाइडर को कहाँ ले जाएगी, ऊपर। जब स्लाइडर को ऊपर का मतलब पीछे साइड में, जब स्लाइडर को ऊपर लेकर के जाएगी तो ये रैम किधर जाएगा, आगे, ठीक है। फुल अच्छा, इसमें नाइनटी, जैसे स्लाइडर लगाने की जरूरत है, मतलब जैसे ये जैसे बिल्कुल लगाने की जरूरत है क्योंकि ये इसके अंदर फिक्स। हाँ, ये डायरेक्टली कनेक्टेड होगा तो फिर ये मतलब इस ये जो पूरा वो है रॉड टाइप का है पूरा घुमा देगा ना इसको, हाँ बिल्कुल, तो मतलब इसमें स्लाइडर लगाने की जरूरत पड़ती क्या मतलब। इसमें हाँ पड़ती, क्योंकि इसको हमको क्या करना है, ऑक्सीलेटरी मोशन देना है क्लॉकवाइज, सॉरी राइट एंड लेफ्ट, इस वजह से। क्योंकि एक बार ही ऊपर जाए फिर ये पीछे आए, फिर ऊपर जाए फिर ये पीछे आए, इस वजह से, ठीक ठीक है। इसमें दो चीजें मोशन करती हैं, एक तो ये पूरी की पूरी क्रैंक मोशन करेगी और दूसरा ये जो स्लाइडर है ना, स्लाइडर का भी इस तरीके से मोशन हो रहा होगा, जो ऊपर वाला सर्किल है, ये पी पॉइंट जो होगा, ये इसका, ये लोकस, ये जो डैश डैश साइकिल ऊपर वाला दिखाई दे रहा है ना, ये आपका इसका लोकस क्या है, पॉइंट। हाँ सर, ये पॉइंट पी इस तरीके का सर्किल जनरेट करेगा और पॉइंट ए ये वाला बड़ा वाला सर्किल जनरेट करेगा, ठीक है। यानी छोटे वाले सर्किल का लोकस है पॉइंट पी और बड़े वाले सर्किल का लोकस क्या है, पॉइंट ए। लोकस समझते हो ना, यस इसमें भी आपका रिलेशनशिप होता है, विटवर्थ मैकेनिज्म के लिए भी सेम होता है, अल्फा अपॉन बीटा या फिर अल्फा अपॉन 360 माइनस अल्फा या फिर 360, ये उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट, जैसे उसमें था उससे अब जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कभी कभी मेरे पास आ जाते हैं, कभी कभी आते हैं, ठीक है। आपके पेपर में अगर कभी आए हुए हो तो देख लेना, अदरवाइज इतने दिन बहुत होते हैं। वो था सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन अभी तक, अब है डबल स्लाइडर क्रैंक चेन, मतलब इसमें दो दो स्लाइडर होंगे। उसमें सिंगल स्लाइडर था, एक स्लाइडर था, इसमें चार्जर दो। कितने हैं, दो। डबल स्लाइडर क्रैंक चेन, देखते अच्छा हैं इसके क्या क्या इन्वर्जन होते हैं। इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइडर क्रैंक चेन, पहला इन्वर्जन है इसका इलेप्टिकल इलेप्टिकल ट्रेमल, ठीक है। क्या होता है इलेप्टिकल ट्रेमल, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जब ये बेसिकली जो बाहर का पार्ट है ना, ये फिक्स है, जो बाहर वाला पोर्शन है इस तरीके से जो दिखा रखा है एल एल में, इसमें को डैश डैश लाइन से मतलब इसको फिक्स कर रखा है। जब आप इसको फिक्स करोगे और ये क्या है आपकी बार, ये आपके स्लाइडर है, दो, एक स्लाइडर है ए एक स्लाइडर है बी, ये पॉइंट है पी, ठीक है। ये क्या करते हैं, जब ये क्लॉक, ये जब ये पीछे आएगा, ए नीचे आएगा, ध्यान से सुनना, जब ए नीचे आएगा तो बी किधर जाएगा, ए जब नीचे आएगा आगे की तरफ जाएगा। पीछे की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड, राइट लेफ्ट से बात करो, जब ए डाउनवर्ड आएगा तो बी किधर जाएगा, क्योंकि ये फिक्स पॉइंट है, ठीक है। तो लेफ्ट की तरफ जाएगा। ए बी जो है फिक्स है, वो मतलब एक एक कांस्टेंट रॉड, एक एक लिंक है, वो दो नहीं है। यहाँ से ये मत मानना है जो पी पॉइंट दिखा रखा है ये सिर्फ लोकस पॉइंट है, ठीक है। ए बी एक लिंक है जिसको बोलना है बार, ये जब बार में, इस बार का बार, जब मतलब कहने का मतलब ये है कि जब ये ए पॉइंट डाउनवर्ड आएगा तो बी 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 पॉइंट किधर जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट। ठीक है। फिर इस, जब ये मैक्सिमम नीचे आ चुका होगा मतलब इस पॉइंट पर, तो मैक्सिमम बी नीचे जा चुका होगा, ठीक है। फिर जब ये स्लाइडर नीचे जा रहा होगा तो बी किधर आ रहा होगा, पीछे आ रहा होगा,
बात आई समझ में? ठीक इसमें है, तो इससे पूरा ये जो पी है एक लोकस क्लियर क्रिएट करता है, ये लोकस जो होता है इसका इलेप्टिकल लोकस होता है, इस वजह से इसको बोला है इलेप्टिकल ट्रैमर। क्लियर? ठीक है, तो इसको भी देख लेना एक बार डायग्राम से, इसकी थ्योरी वगैरह। उसके बाद है ये स्कॉच योक मैकेनिज्म तो नहीं आती इतनी, ओल्डहम्स कपलिंग आती है। स्कॉच योक उतनी नहीं इंपॉर्टेंट है, ओल्डहम्स कपलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ओल्डहम्स कपलिंग क्या होती है, ये ठीक है, इस ओल्डहम कपलिंग को हम डायग्राम से ही देख लें तो ज़्यादा सही है इसके उससे, क्योंकि तो उसमें है क्या, एक बार फिगर से समझने की कोशिश करना, फिर हम इसका वीडियो भी चलाते हैं। इसमें हो क्या रहा है, ये है ड्राइविंग शाफ्ट, ये शाफ्ट जो है वो है ड्राइविंग शाफ्ट। ड्राइविंग शाफ्ट का मतलब ये है कि ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही होगी। ठीक है, ये क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेट कर रही होगी। ये शाफ्ट आगे जा करके सी से, सी को बोलते हैं फ्लेंज, फ्लेंज से कनेक्टेड है। कौन सी शाफ्ट? ड्राइविंग शाफ्ट फ्लेंज से कनेक्टेड है। जो आरपीएम आपका ए का होगा वही आरपीएम आपका किसका होगा? सी का। ठीक है ना, जो आरपीएम आपका ए है वही आरपीएम आपका क्या होगा? सी का। जितना आपकी ए रोटेट करेगी उतनी आपकी सी रोटेट करेगी। अब ए क्लॉकवाइज तो सी भी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये दोनों फिक्स हैं। इसमें हमने एक ग्रुप काटा हुआ है, देखो ग्रुप दिखाई दे रहा है ये इस तरीके से, ग्रुप ग्रुप का मतलब समझते हो ना, खांचा, ये ग्रुप काटा हुआ है। इस ग्रुप के बीच में एक ये चीज दिखाई दे रही होगी जो डी और बी के बीच, सी के बीच में है, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट पीस। ये फ्री होता है एकदम, ये क्या है इंटरमीडिएट पीस, मतलब ये इससे सी और डी से डी के बीच में बस फिक्स सा होता है, समझ लो जैसे आपने ऐसे फिक्स किया हुआ है, मान लो अपने मोबाइल को अपने दोनों हाथों के बीच में रखा हुआ है। ठीक है, आप ऐसे समझ लो कि अपने मोबाइल को आपने अपने दोनों हाथों के बीच में रखा हुआ है। अब आप एक हाथ को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराओ। ठीक है, उस तरीके को उसमें हो क्या, अच्छा ये डी पॉइंट क्या कर रहा है, डी पॉइंट आपका इससे इंटरमीडिएट पीस से कनेक्टेड है। ठीक है, तो जब हम इसको मोशन दे रहे हैं ए पॉइंट को, ए पॉइंट में सी, जब सी को सी में काट दिया ग्रुप, और जो बीच में इंटरमीडिएट पीस है उसमें भी काट दिया एक ग्रुप। इसमें आपने जो ग्रुप काटा है इसमें इंटरनल ग्रुप है, और जो इंटरमीडिएट पीस है उसमें एक्सटर्नल ग्रुप है। इंटरमीडिएट इंटरनल ग्रुप का मतलब ये होता है कि ये जो सी पोर्शन है इस सी पोर्शन के अंदर साइड खांचा टाइप बनाया है, और जो डी पॉइंट है मतलब सॉरी जो इंटरमीडिएट पीस है उसमें उभरी हुई चीज है, उभरी हुई, जैसे ये उभरी हुई दिखाई दे रही है ये। ठीक है, तो ये उभरी हुई चीज जो चीज है, ये उभरा हुआ जो ग्रूव है इसमें जो इंटरनल ग्रूव था सी उसमें फिक्स कर दिया। अब जब हम सी को घुमाएंगे तो इंटरमीडिएट पीस और सी के बीच में क्या हो गया, एक कनेक्शन हो गया। जैसे जैसे सी मूव करेगा वैसे वैसे इंटरमीडिएट पीस भी मूव करेगा। अगर ग्रुप ना काटते तो क्या इंटरमीडिएट पीस में मोशन पॉसिबल था? नो सर, होता, लेकिन अगर हम इसी तरीके की बाइंडिंग इसमें करते, लेकिन स्लाइडिंग मोशन ना हो पाता उस टाइम पर। ठीक है, तो अब कर क्या रहे, जब आप इसको मोशन दोगे तो ये जो इंटरमीडिएट पीस है इसमें ग्रुप और ये पीछे से हमारा फ्लेंज से कनेक्टेड है, मतलब इसको दो तरफ से कनेक्शन मिल रहा है इंटरमीडिएट पीस को, सी साइड से एंड डी साइड से। ठीक है, एक तरीके से सी अपना मोशन ट्रांसफर करेगी इंटरमीडिएट पीस को, और इंटरमीडिएट पीस का जो मोशन होगा क्या सी के इक्वल होगा? सर्कुलर मोशन ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें ग्रुप काटा है, कितना मैक्सिमम कितना मिनिमम है वो ग्रुप वीडियो को भी चलाएंगे तो वीडियो से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो सी है वो अपना मोशन प्रोवाइड कर रहा है इंटरमीडिएट पीस को, और जो इंटरमीडिएट पीस है वो अपना मोशन प्रोवाइड कर रहा है डी को, और जो डी है उससे कनेक्टेड है ड्रिवन शाफ्ट। इसलिए हमने ये हम यूज किस लिए कर रहे हैं, ये हम यूज कर रहे हैं जब आपकी जो शाफ्ट हो वो पैरेलल शाफ्ट ना हो। ठीक ठीक है, मतलब ऊपर नीचे हो, देखो जो शाफ्ट ए है ड्राइविंग शाफ्ट है उसकी एक्सिस ऊपर है, और ड्राइव शाफ्ट बी है उसकी उसकी एक्सिस नीचे है, तो या तो हम इसको गियर से कनेक्टेड कर देते हैं दोनों शाफ्ट को। ठीक है, या तो हम इनको गियर से कनेक्ट कर दो शाफ्ट के बीच में गियर लगा देते हैं और उसके बाद हम मोशन को ट्रांसफर कर लेते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर गियर नहीं यूज करके क्या यूज किया है, ओल्डम्स कपलिंग यूज करिए। ठीक है, जिससे हमारा जो ड्राइविंग शाफ्ट है उसका जो मोशन है वो ड्रिवन शाफ्ट में, उसका जो आरपीएम है वो ड्रिवन शाफ्ट में ट्रांसफर हो रहा है। अब इसका वीडियो देख लेते हैं ओल्डम्स कपलिंग का।
ये देखो दिखाई दे रहा है ग्रूव, ये इंटरमीडिएट पीस है। इसमें एक आपकी ड्राइविंग होगी, एक आपकी ड्रिवन शाफ्ट होगी, ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है, मोशन दिखाते हैं कैसे हो रहा होगा, तो एक्सटेंड करके भी अलग से देखो। तो देखो दो ग्रूव काटे इंटरमीडिएट पीस में, दिखाई दे रही है। आउटपुट शाफ्ट है, ये इंटरमीडिएट शाफ्ट है, ये इंटरमीडिएट शाफ्ट हो गई, ये आपकी ड्राइविंग शाफ्ट हो गई, इधर आपकी ड्रिवन शाफ्ट हो गई। ड्राइविंग शाफ्ट आपकी कनेक्टेड हुई पीस ए से, और उसके बाद ये जो इंटरमीडिएट पीस है ये इसमें ऐसे कनेक्ट हुआ। अब उसके बाद इसका क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो मोशन होगा उसके अकॉर्डिंग आपका ड्रैगन शाफ्ट का भी मोशन आएगा। ये देखो दोनों क्लॉकवाइज जा रहे हैं, बस दोनों कनेक्टेड है, ठीक है। जब ये क्लॉकवाइज जा रही थी, ग्रूव ऊपर आ रहा है, इसका ऊपर नीचे मोशन हो रहा था, नीचे वाला पोर्शन था नीचे गया, ये फिर ऊपर आया। तो समझ में आ रहा है, यस सर। इनके बीच में हमको बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, ऑयलिंग या ग्रीसिंग करनी पड़ेगी, जिससे इसमें आपके आरपीएम जो हैं वो कांस्टेंट है। अगर इनके बीच का जो मोशन है, जो इंटरमीडिएट पीस का जो मोशन है, अगर वो वेरी कर गया तो उस मोशन की वजह से आपके जो आरपीएम है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्लियर है? ये आपकी ओल्ड हम्स कब थी, सर ये आपके बेसिकली इन्वर्जन थे मैकेनिकल की। इसके बाद में आपको क्वेश्चन क्वेश्चन आपके इसके भी आ जाते हैं कभी कभी, इसके तो बताया मैं, लीवर कटिंग टूल वगैरह से, है ना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी आते हैं। अगर आप गेट की प्रिपरेशन करते हो तो भी आपके इसमें से क्वेश्चन आते हैं, और फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड आप इसमें कई सारे, जो मैंने आपको बुक शेयर करी हुई है उसमें कई सारे हो सकता डायग्राम दे रखे हों, जिन डायग्राम्स की आप डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर लो, या एग्जाम्स में जो आए हों। अब जो एग्जाम्स में आपके पास सैम्पल पेपर हैं उनके आप जो डायग्राम्स आए हैं उनके डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करके देखो, अगर वो आपसे निकल रहे हैं तो आपको आ गए, और अगर आपसे कैलकुलेट नहीं हो पा रहे तो मेरे से कन्फ्यूजन पूछो उनकी, ठीक है। ये आपका फर्स्ट चैप्टर बेसिकली कंप्लीट होता था। अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस क्लासिफिकेशन, कंस्टेंट टाइप, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इक्वेशन, लिंकेज मैकेनिज्म, इन्वर्जन ऑफ फोर बार चेन, स्लाइडर क्रैंक चेन, डबल क्रैंक चेन, इन सबके इन्वर्जन हो गया आपका, एक तरीके से यूनिट फर्स्ट का हाफ पोर्शन हो गया 6 मार्क्स का। तो हो रहा है आपको, नहीं हो रहा है? ठीक हाँ सर, हो रहा है कि थोड़ा न्यूमेरिकल करेंगे तो देखेंगे। है। नहीं, मैं जो अभी शो कर रहा हूँ आपको सिलेबस, वो शो नहीं हो रहा होगा ना, फोटो शो है, कहता तो रुको नहीं सकता।